बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर हरियाणा के नूह से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने किया है यूपी की तर्ज पर एक अपराधियों पर बड़ा प्रहार। अवैध रूप से की गई कमाई से अवैध कॉलोनी में बनाए मकान को ध्वस्त कर उसके काले साम्राज्य का अंत किया गया। आरोपी राहुल के खिलाफ करीब एक दर्जन एटीएम चोरी, पुलिस कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, चोरी का सामान लेने, गौ तस्करी व अन्य प्रकार की संगीन वारदातों के मुकदमे दर्ज थे। वहीं जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर से अब तक 3 अपराधियों के अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। अशोक कुमार डीएसपी मुख्यालय नूह के नेतृत्व में व तरुण प्रकाश तहसीलदार नूह ड्यूटी मजिस्ट्रेट नूह की मौजूदगी में जिला प्रशासन द्वारा अवैध मकान ध्वस्त कर अवैध कब्जा हटाया गया। देखिए, हरियाणा सरकार के अपराधियों पर शिकंजा कसने के आदेश अनुसार हमने अलग अलग अपराधियों पर जो भी अवैध तरीके से कमाई करके और अवैध जिन्होंने प्रॉपर्टियां बना रखी थी उन पर कार्यवाही की है। और इसी क्रम में हमने जो राहुल पुत्र अकबर निवासी पल्ला गांव, इसके मकान को इसने नहर पार, पल्ला गांव में ही नहर पार एक अवैध कॉलोनी है, वहां पर करीब एक दर्जन इस पर एटीएम चोरी के मुकदमे हैं और पुलिस कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने के, चोरी का माल लेने के और गौ तस्करी के, इन मुकदमों में या ऐसे अपराधों में संलिप्त होकर के अवैध तरीके से कमाई करके इन्होंने नहर पार अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, जिस पर हमने कार्यवाही की।